हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। आज ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है SBI बैंक की तरफ से, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। SBI बैंक की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, किस तरह से एप्लीकेशन करना होगा, सब कुछ। जितनी भी कैंडिडेट देख रहे हैं, अगर एप्लीकेशन करना चाहते 2000 वैकेंसीज लेके इस बार ऑफिशियली अपडेट निकल के आया है, जहाँ पे आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हो। यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, जिसका डिटेल आप लोग को मैं बताऊँगा किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना होगा, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, इसका आप लोगों को डिटेल आप लोगों को बता दूंगा, जिसमें आप लोग जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, SBI की तरफ से जो ESO की पोस्ट के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की ऑफिशियल अपडेट निकल के आया है, जहाँ पे आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करके आपको भेजना होगा। ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए 150 वैकेंसीज एंड ESO की जो पोस्ट निकल के उसमें बाकी क्या जो वैकेंसीज है उसमें रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। ट्रेड ऑफिसर एंड ESO की जो पोस्ट निकल के आया है, जिसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका भी डिटेल आप लोगों को बताऊँगा। तो जितने भी कैंडिडेट देख रहे, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है ग्रेजुएशन पास। अगर आप ग्रेजुएशन पास है, तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे ग्रेजुएशन पास के अलावा और भी कुछ जानकारी नहीं चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास है, डेफिनेटली आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एज लिमिट 23 से 32 तक रखा गया है। 23 से 32 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एज रिडक्शन भी मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट देख रहे, अगर एप्लीकेशन करना चाहते आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एज रिडक्शन भी मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, आपको एज रिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। एज रिडक्शन की अगर बात किया जाए, SC ST वालों को 5 ईयर्स एंड OBC वालों को 3 ईयर्स तक की एज रिडक्शन आपको मिलेगा। एप्लीकेशन करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस आपको जमा करना होगा, जैसे जनरल EWS OBC के लिए 750, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं चाहिए। एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन आपको भेजना होगा SBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, जहाँ से जाके आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, कुछ इस तरह से यहाँ पे रखा गया है एंड इंटरव्यू के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। लास्ट डेट है 27 जून 2024, जिससे पहले आपके यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा।